स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द डायमीटर और मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल सिलेंड्रिकल बॉडी विद द वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स ये अपरेटस है आपका। वर्नियर कैलिपर्स में क्या क्या पार्ट होते हैं इसको पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पे दे आर द फिक्स्ड जार्स। ये तो फिक्स्ड जार्स हैं इसके, ये मूवेबल जार्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं इस तरह से। इस पॉइंट के हेल्प से हम इसको मूव करते हैं और यहाँ पे ये एक स्क्रू लगा होगा। ये स्क्रू से हम वर्नियर स्केल को फिक्स कर सकते हैं और साथ ही में इसमें एक लास्ट में पिन भी होती है ये इस तरह से। इससे हम इसकी डेप्थ मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर अपरेटस है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर कैलकुलेट करने में, इनर डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए, आउटर डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए इनका यूज करेंगे, इनर के लिए इसका यूज करेंगे, डेप्थ मेजर करने के लिए इसका यूज करेंगे इस तरह से। ये डेप्थ ऑफ एनी बॉडी। तो यहाँ पे दो स्केल वर्क करते हैं। एक आपका मेन स्केल है जो ये नीचे है, बड़ा सा स्केल है, इट इज़ द मेन स्केल। और जो ये स्मॉल स्केल है, इट इज़ द वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल है आपका छोटा सा। अब किस तरह से इसका क्या प्रिंसिपल है, किस तरह से वर्क करेगा, इसके लिए हमें इसके कुछ पॉइंट समझने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो इसका मेन स्केल होता है और जो ये वर्नियर स्केल होता है, यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं, अगर हम दिखाएं आपको कि इसमें मेन स्केल के 9 पॉइंट्स वर्नियर के 10 पॉइंट्स के इक्वल होते हैं। ये वर्नियर स्केल आपका है जो ये छोटा सा है, इट इज द वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल है आपका और जो ये नीचे फिक्स है, दैट इज द मेन स्केल। ये मेन स्केल होता है तो इसके 10 पार्ट्स इसके 9 पार्ट्स के इक्वल होते हैं। अगर हम दोनों जार्स को ज्वाइन कर दें तो हम ये देखेंगे कि इसके 10 पार्ट्स इसके 9 पार्ट्स के इक्वल हैं। ये एक पॉइंट पहले रहेगा हमेशा, ये इस तरह से एक पॉइंट पहले है। तो यहाँ से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका वर्नियर कॉन्स्टेंट का या इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, जो हम किसी अपरेटस से कम मेजरमेंट कर सकते हैं, जो मिनिमम मेजरमेंट इस अपरेटस की हेल्प से कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द लीस्ट काउंट। उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने इसमें देखा कि इसके 9 पार्ट्स मेन स्केल के 9 पार्ट्स वर्नियर स्केल के 10 पार्ट्स के इक्वल हैं, इसी से हम इसका प्रिंसिपल जो है वो डिसाइड करेंगे। और इसमें जो मेन स्केल डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये जो वर्नियर आपका मेन स्केल है नीचे वाला और जो ये वर्नियर स्केल है, इसमें जो दोनों के एक एक पार्ट में जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को हम लीस्ट काउंट बोलते हैं इस अपरेटस का। तो लीस्ट काउंट के लिए हम क्या फंडामेंटल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसके पार्ट्स जो हैं 10 पार्ट्स मेन स्केल के 9 पार्ट्स के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन वर्नियर स्केल डिविजन्स। वी एस टी मीन्स वर्नियर स्केल डिविजन एंड एम एस टी मीन्स मेन स्केल डिविजन्स। तो मेन स्केल डिविजन हमेशा एक कम रहेगा, तो ये एन है तो ये एन माइनस वन है। तो यहाँ पे हमारे अपरेटस में क्या है भाई, इसके 10 पार्ट्स हैं वर्नियर के और मेन स्केल के 9 पार्ट्स है, तो हमने लिख दिया 10 वी एस डी इज इक्वल टू 9 एम एस डी। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से हम एक वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम 1 वी एस डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 9 अपॉन 10 एम एस डी के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम 0.9 एम एस डी कह सकते हैं। तो जब हम इसका वर्नियर कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन हो गया और जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.9, जो मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये 1 से 0.9 माइनस हो गया, 0.1 मेन स्केल डिवीजन हो गया। और यहाँ पे हम देखें अगर अपरेटस में, तो जो मेन स्केल डिवीजन है आपका वो कितने में है, एमएम में चल रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको 0.1 एमएम लिख दिया। और इसी को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से और डिवाइड कर देंगे तो दैट विल कम आउट 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने वर्नियर कॉन्स्टेंट को कैलकुलेट कर लिया। अब एक्सपेरिमेंट की प्रोसेस क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है, दैट इज रिलेटेड टू द एरर। एरर का क्वेश्चन क्या है भाई, कि एरर कब होती है, जैसे कि हमने ये जार्स हमने लिए, इनको ज्वाइन कर दिया, तो अगर इन दोनों का जीरो एक सीध में नहीं आता, इसका स्टार्टिंग और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये अगर ये एक सीध में नहीं होगा तो इसमें एरर होगी। वैसे जो मैंने यहाँ पे अपरेटस लिया है, देयर इज नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, इट इज फ्रेश।
लेकिन अगर इसमें एरर होती है तो वो इस तरह से होगी, अगर ये मेन स्केल वाला वर्नियर स्केल वाला पॉइंट आपका पीछे है मेन स्केल से तो पॉजिटिव एरर होगी, और ये आगे हो गया तो वो निगेटिव एरर हो जाएगी। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ट्रू रीडिंग जो हमारी रीडिंग आएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसमें से हम पॉजिटिव के केस में एरर को माइनस कर देंगे और निगेटिव के केस में जितने भी पॉइंट्स ये आगे होगा उतने पॉइंट्स प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे ऑपरेटर्स में कोई एरर नहीं है तो हम इसको फ्रेशली यूज कर सकते हैं। अब सपोज हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है तो हमें उसके लिए एक टेबल की जरूरत होगी। ये टेबल आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है, यहाँ पे हमें मेन स्केल रीडिंग लिखनी है। मेन स्केल यानी ये नीचे वाला स्केल हमारा है दिस वन, और फिर वर्नियर नंबर ऑफ कंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन। जब हम इसमें किसी ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, सपोज हम एक क्वाइन को यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ये क्वाइन हमने इस तरह से फिक्स कर दिया, और इस क्वाइन को फिक्स करने के बाद में हम इसमें देखेंगे कि मेन स्केल रीडिंग के लिए हम नीचे वाली देखेंगे, लेकिन वो रीडिंग हम कौन से उसकी पढ़ेंगे, वो रीडिंग हम उसी की पढ़ेंगे जो यहाँ पे वर्नियर स्केल का हमारा जो कॉलम है वो मेन स्केल के किसी भी कॉलम की सीध में आ रहा है, वही मेन स्केल की रीडिंग होगी। और वो जो कॉलम वर्नियर का जो सीरियल नंबर होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा सेकंड वाले कॉलम में। तो मेन स्केल रीडिंग कहाँ पे लिखी जाएगी, वो नीचे वाले स्केल से देखेंगे। तो यहाँ पे हम इस रीडिंग में चेक करते हैं, अगर तो हम देखते हैं कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, आई थिंक थर्ड वन जो आपका है, थर्ड वन कॉलम इससे सीध में है, तो यहाँ पे जो रीडिंग होगी दैट विल बी द 2.8। तो ये रीडिंग आपकी मेन स्केल में चली जाएगी 2.8 हो गई। फिर इसके बाद में कौन सा कॉलम है, थर्ड वाला इसके सीध में आ रहा है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर इसका लिखा जाएगा दैट विल बी 3। नाउ वर्नियर स्केल रीडिंग तभी कंप्लीट होगी जब हम इसको लीस्ट काउंट यानी वर्नियर कांस्टेंट जो हमने कैलकुलेट किया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 × 0.01, तो दैट विल कम आउट 0.03। तो इसलिए जब इसका डायमीटर यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या होगी फाइनल रीडिंग, एम मेन स्केल रीडिंग का सिंबल एम है, वी क्या है वर्नियर स्केल रीडिंग का सिंबल है, इन दोनों को फर्स्ट थर्ड वाले को ऐड करके लिख देंगे तो दैट विल कम आउट 2.83 सेंटीमीटर्स। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू रिपीट द रीडिंग्स। रीडिंग को रिपीट करने के लिए क्या करेंगे, इस क्वाइन को दूसरे प्लेस पे लगा लेंगे, प्लेस चेंज कर लेंगे, फिर एक बार हमने इस तरह से लगाया है, फिर एक बार इसको ऐसे लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर लेंगे, और अलग अलग केसेस में रीडिंग को चेक करेंगे। रीडिंग में भी सेम भी हो सकती है, कुछ डिफरेंट भी हो सकती है। अब देखते हैं इसका प्लेस चेंज करने के बाद इसको हमारी रीडिंग कितनी मिल रही है यहाँ पे। दैट रीडिंग अब इस बार आपका सेकेंड वाला जो है, ये सेकेंड वाला कॉलम जो है वो दिस वन, ये बिल्कुल सीध में आ रहा है, तो सेकंड वाला आपका सीध में आ रहा है, तो दैट इज 2.7। तो यहाँ पे 2.7 आ रहा है, यहाँ पे सेकंड आ गया, और यहाँ पे 2 × लीस्ट काउंट कर देंगे तो दैट विल बी द 0.02, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो दैट विल बी कम आउट 2.72 सेंटीमीटर। सिमिलरली एक प्रोसेस और करते हैं, और इस बार हम इसका प्लेस और चेंज कर देते हैं, और इसका रोटेशन भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इस तरह से प्लेस चेंज करके करेंगे लाइक दिस, और फिर से चेक करते हैं कि रीडिंग में कोई चेंज आ रहा है या वही रीडिंग आ रही है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, अभी फिर से इस बार जो रीडिंग आपकी आ रही है वो थर्ड पे ही आ रही है, यानी कि 2.8, और इसमें थर्ड कॉलम फिर से कंसाइड करने लगा। मैंने जैसे बताया था रीडिंग रिपीट भी कर सकती है, 3 × 0.01, तो दैट विल बी 0.03, और इनको फिर से हम ऐड कर देंगे तो दैट विल बी द 2.83। सिमिलरली यू कैन टेक 4 रीडिंग्स आल्सो, एक रीडिंग और ले सकते हैं। अब इसको हम बहुत ही ऊपर कर लेते हैं, फिर इसका प्लेस चेंज कर लेते हैं, तो नाउ दिस टाइम अगर हम फिर से इस रीडिंग को चेक करें, ये देखें कि कौन सा कॉलम हमारा जो है वर्नियर का कौन सा स्केल जो है कंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में, तो हम ये देखते हैं कि इस बार हमारा जो है थर्ड वन इज आल्सो देयर, फिर से थर्ड वन ही है और 2.8 पे ही है, तो दैट इज द थर्ड वन, तो दैट विल कम आउट 3 × 0.01, दैट विल बी 0.03, एंड इट विल बी 2.8
83 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, इन सबको ऐड करके इनका मीन कैलकुलेट करना है एंड दैट विल बी द आंसर। तो दैट विल बी 2.83, 2.72, 2.83, 2.83 डिवाइडेड बाई 4। इन सबको हम ऐड कर लेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस एक्सपेरिमेंट का। इन सबको ऐड कर लेते हैं, 3, 6, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 24, 25 and 7, 32, 3, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, now divided by 4 and we will get the answer। इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 times and 8 and फिर से पॉइंट ले हैं जीरो लेके 2.82 कर लेते हैं, तो राउंड अप करके दैट विल 2.82 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आ गया। तो इट इज द यूज ऑफ योर वर्नियर कैलिपर्स, इस तरह से इसको यूज करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई जगह इसका हम यूज भी करते हैं, तो यू मस्ट नो हाउ टू यूज दिस वर्नियर कैलिपर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।